बॉस बहुत पंगे हैं दुबई में यार, बता नहीं सकता। रिलेटेड टू माइक, माइक को लेके यार उन लोग ने बहुत परेशान किया मुझे। खैर वो बात को रखते हैं बाजू में। एंड टुडे आई एम इन जफलिया और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं दुबई फ्रेम्स। है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज़ हुनाफ। आई होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। सो अभी मैं आया हूँ दुबई फ्रेम, नज़दीकी है मेरे सामने, बट एक बहुत ही बेहतरीन सी बिल्डिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पे जाना है अपने को फिलहाल आई डोंट हैव एनी आइडिया लाइक वहाँ पे कैसा जाना है। अभी अगर मैं मैप के थ्रू जाऊँगा तो मुझे लाइक 35 मिनट्स वॉकिंग बता रहा है, बट आई एम नॉट फॉलोइंग द मैप। थोड़ा कुछ अपनी आइडिया लगा के, बिकॉज यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है कहीं से भी दिख जाती है ये, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू कवर दिस वन ऑल्सो। एंड बुर्ज खलीफा में लाइक ऊपर जाने नहीं मिला यार, बहुत सारे सीन हो गए वहाँ पे। जैसे मॉल में घुसा मैं, थोड़ी बहुत वीडियो शूट करा था मैं, दे स्टार्टेड कैचिंग मी, उन्होंने दो बार पकड़ा मुझे और बोला कि माइक इज़ नॉट अलाउड, एक बार तो बुर्ज खलीफा के सामने और एक बार मॉल के अंदर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो देर, लेट मी गाइस टेक यू देर एंड आप लोग वर्चुअली एंजॉय करो। पता नहीं एक वीडियो आने वाला है। ये लोग लुक एट दिस बिल्डिंग्स, क्या व्यू आएगा इन लोगों को यहाँ से दुबई फ्रेम का सीधा सीधा। चलिए चलते हैं दुबई फ्रेम, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। जितना इसके नज़दीक जा रहे हैं उसकी चमचमाहट नहीं चमकाहट आप लोगों को देखने मिलेगी, बिकॉज सूरज की रोशनी लग इस पर डायरेक्ट गिर रही है एंड दिस इज़ गोल्डन कलर। तो भाई साहब एपिक फ्रेम में आ रहा है ये, वाह बहुत ही सॉलिड फ्रेम है। एंड मेरे पीछे अगर आप लोग देखोगे तो इट्स बुर्ज खलीफा, ये कुतुब मीनार साला कहीं से भी दिखता है, और इसमें आ रहा है कि नहीं पता नहीं मुझे। ये हमारी मंजिल, तो चले मंजिल की ओर, देखते टिकट विकेट चालू है कि नहीं। भाई पोपट ना हो जाए, कितना दूर आया मैं पता चला कुछ चालू ही नहीं है। इट अलाउड टू फिल्म देयर, इट्स ओके, माइक इज ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, दिस इज द टिकट टू दुबई फ्रेम। डिटेल्स, टिकट तो 50 है बट विद द टैक्सेस एंड एवरीथिंग इट्स कम 52.20। तो एग्जैक्ट भाई साहब दुबई फ्रेम के नीचे क्या फ्रेम आ रहा है बॉस मेरा। बोला प्लीज फॉलो दिस येलो स्टेप्स टू गो इनसाइड द दुबई फ्रेम, तो मैं इसी को फॉलो करके अंदर जा रहा हूँ अभी। ओहो क्या लुक है बॉस, क्या लुक है, दिस इज समथिंग अमेजिंग विच आई एम सीइंग हियर। फ्रेम के बीचों बीच एक कोई तो स्पॉट होगा जहाँ से पूरा फ्रेम आता होगा, आई एम श्योर। ओके, जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा फोटो खींच रही है मतलब वहाँ से पूरा फ्रेम ही आता होगा, तो वो हम लोग करेंगे जाने के टाइम। बट अभी सनसेट होने को है मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज इट्स 5:45, तो सनसेट यहाँ पे थोड़ा जल्दी हो जाता है। एंड आई एम गोइंग इनसाइड, और यहाँ पे भी बहुत ही बेहतरीन सा व्यू पीछे मेरे, तो लेट्स गो इनसाइड। टिकट आखिरी तक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सब यहाँ पे टिकट ही पूछ रहे हैं लोग। एंड दिस इज द एंट्रेंस, कुछ अंदर से ऐसा है, लोग हिस्ट्री बता रहे हैं इसकी, लाइक हाउ वाज द ओल्ड दुबई एंड उसके कल्चर्स वगैरह। हर कोई बात करता है दिस इज द ओल्ड दुबई, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस, दिस इज न्यू दुबई। आई होप आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा यहाँ से, ये एक भारी चीज है, यू राइट एनीथिंग हियर वहां पे आएगा।
अच्छा, तो ये जो मशीन है मेरे सामने, यानी 10 दिरहम डालोगे तो एक सोनेर बन के आएगा आप लोगों के लिए, एंड उस पर कुछ इस तरीके के निशान जो है आएंगे, विच विल बी, एंड दिस मशीन लुक्स लाइक दिस, इट्स सेज सोनेर। मज़ा तो इसमें आता है बस ये करने में, काफ़ी मज़ेदार है। ये नीचे देख के चलने में थोड़ी सी फट रही है। ओहो, पैसा वसूल है ये वाला। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे आप लोग की फ़ोटो ले सकते हो, दुबई फ्रेम के अंदर पिक्चर आएगी आप लोग की। तो देखते हैं, पिक्चर निकालते हैं, और ये रहा मैं मेरे कैमरे के साथ दुबई फ्रेम के अंदर, क्योंकि थोड़ी सी क्रॉस है, एंड अपन इसमें फ़ोटो निकाल लेंगे। टेक अ फोटो, जनाब ये 3 बिल्डिंग आप लोग देख रहे हो, तो मैं वहाँ से चल के ऐसा पूरा घूम के देन ऊपर आया हूँ मैं। तो आप लोग सोच ही सकते हो कितना वॉक किया है मैंने, एंड अगर मैं मेरा देखूँगा तो अराउंड 6000 समथिंग मैंने स्टेप्स वॉक कर लिए ऑलरेडी आज दिन के लिए। तो आज शाम को कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, एंड मैं यहाँ से निकलता हूँ। अगर कोई मेरे फ्रेम में आ गया फिर बोलेगा मुझे मेरी पिक्चर भी निकाल रहा है। जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे नीचे दिख रहा है आप लोगों को, फिलहाल तो मैं रखता हूँ कैमरा नीचे, लेट मी एंजॉय दिस ब्यूटीफुल थिंग, और आप लोग को शायद से दिखाता हूँ मैं सनसेट होते हुए अगर यहाँ से दिखा तो, एंड इतना ऊपर आया है तो लेट मी एंजॉय माय मोमेंट। सो पूरा ब्लॉग बनाने के लिए ही सिर्फ नहीं घूमता हूँ मैं, थोड़ा बहुत एंजॉय भी कर लेता हूँ। सोलो हुआ तो क्या हुआ, फिर भी अपना एंजॉय तो कर ही लेता हूँ मैं। तो बस पता नहीं यहाँ पे क्यों मुझे ओल्ड दुबई को देखने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, बिकॉज यहाँ पे से छोटी छोटी बिल्डिंग्स वगैरह है। सो दिस इज़ लुकिंग परफेक्ट यार, क्या व्यू आ रहा है यहाँ से, और जितनी जैसे ही लाइक शाम होते जा रही है उतना ही और ये खूबसूरत दिखता जा रहा है यहाँ पे। तो दुबई फ्रेम जितना आप लोगों ने देखा उतनी चीज़ें हैं ऊपर, यहाँ पे ऊपर आके करने के लिए है एक न्यू दुबई एंड ओल्ड दुबई आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा इस स्क्रीन में आप लोग कुछ लिख सकते हो, इसके अलावा आप एक सुवनियर बना सकते हो, एंड वहाँ पे एक स्काई वॉक जैसा है उस पर आप वॉक कर सकते हो। जनाब ये सारी चीज़ें थी यहाँ पे दुबई फ्रेम में करने के लिए, यानी काफ़ी ऊपर है, इसकी कोई डिटेल्स मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, अगर डिटेल दिखाई देती है मुझे तो मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता हूँ मैं। तो हाफ एन आवर के ऊपर हो चुका है मुझे अभी यहाँ पे, और कुछ बचा नहीं यहाँ पे करने के लिए, जो जो करना था सब कर लिया मैंने। फ़िलहाल आप लोग एंजॉय करो, और एक बार यही यहाँ पर ट्रेडमार्क है, काफ़ी अच्छा लगता है। गजब की चीज़ है, ऐसा 3D जैसा मूव हो रहा था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैं भी मूव हो रहा हूँ यहाँ पे। तो बस यही था दुबई फ्रेम। तो जब से मैं आया था ना, मेरी नज़र इस पर गिरी है, यानी ये बहुत सही लग रहा है। अगर इसका टाइम लैप्स निकालेंगे ना तो बहुत ही सही आने वाला है, पता नहीं ये क्या है बट इसका टाइम लैप्स मैं निकाल के बताता हूँ आप लोगों को, काफ़ी भारी दिखने वाला है। लेट्स सी, और फाइनली हम लोग आ चुके हैं बाहर। लेट मी टेक ऑफ दिस इफ पॉसिबल, कोई देखा तो वाट लग जाएगी। सो आर अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर, एंड दिस इज़ द फ्रेम मेरे पीछे। सो फ्रेम के सामने बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करके मैं यहाँ से निकलूँगा, एंड आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड दिस वीडियो। यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक किए बिना नहीं जाना मेरे इस वीडियो को। तो मिलता हूँ कोई अगली ब्लॉग में, अलविदा लेते हैं इस फ्रेम से यहाँ पे, इसी तरह मिलते रहेंगे कोई अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ बकर, शुभ रात्रि, मा सलामा।